अर्चना जी, एक ना एनआरआई पार्टी आई है, बॉलीवुड के पीछे इतनी पागल है ना कि जितने मर्जी पैसे हेट लो, मैंने सारे डुप्लीकेट बुला लिए। हाँ, और कोई आपसे भी पूछे ना कि आप कौन हो, आप बोल देना मैं राजा मुराद हूँ, ठीक है? हाँ, चलो। तेरे को वीकेंड की बहुत बहुत बधाई हो। वाह 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 वाह, बधाई हर बार नहीं नहीं ले आता है, फूल वही सड़े से। कप्पू, मेरे पापा कहते हैं कि पुराने फूल की खुशबू और पुराने दोस्तों की दोस्ती कभी खत्म नहीं हो सकती। तेरे पापा तो ये भी कहते हैं तू सबसे बड़ी गलती उनकी। कितना झूठ बोल रहा है, उन्होंने सिर्फ गलती कहा था। बड़ी नहीं बोला। यार, तुम फिर इधर आ गए हो? तो मैं क्रिसमस हूं कि साल में एक ही बार आऊंगा? देखो, लोहड़ी मांगने वाला बच्चा सीधा क्रिसमस की बातें कर रहा है। और तुम्हारा जमीर है कि नहीं है, तुम रोज इधर आ जाते हो। यार, मुझे ही कहते रहते हो, ये केबल वाला, दूध वाला आते हैं, उनको तुम कुछ नहीं कहते, रोज आते हो। दूध वाला है, दूध वाला आता है, दूध वाला तो हमें दूध देके जाता है, तू कभी हमें दूध देके गया? तू कभी हमें अपनी एक्टिंग देके गया? कमाल कर रहे हो यार, एक्टिंग तो सारी मेरी उधार मांगने वालों के सामने निकल जाती है, पता कितना मिनटों वाला मुंह बना के बैठना पड़ता है। तो तुम्हें क्या जरूरत है मुंह बनाने की, तुम्हारा तो नेचर ही वैसा है। बोल कौन रहा है? ये देखो, प्रिंस ऑफ उधारपुर। मैं सच्ची बता रहा हूँ अर्चना जी, इतना उधार लिया हुआ है इसने कि सरकार ने इसका आधार कार्ड नहीं बनाया, उधार कार्ड बनाया। ओए, और मेरी बात सुनो, आज मैंने रखी यहाँ पे बॉलीवुड की पार्टी। वेरी गुड, मेरे पास थ्री पीस सूट है। अंडरवेयर, बनियान और रुमाल को थ्री पीस सूट नहीं कहते पहले तो। बंद रखा कर अपना। अरे ठाकुर साहब, क्या कैसा है? बढ़िया बढ़िया एकदम। फिर आ गया काम मांगने। अर्चना जी, ये इंडस्ट्री का एक पहला आर्टिस्ट है जो काम मांगने के बहाने 4-5 एपिसोड कर जाता। कपिल यार, ये क्या चल रहा है यार ये सब? वाह, 4 एपिसोड क्या कर लिए भाई से सीधा कपिल? अरे मेरा मतलब है, अरे कप्पू भैया कैसे हो? मैं बताता हूँ क्या हुआ है। हाँ? इसने ना इधर बॉलीवुड पार्टी अरेंज की है और हमें कहते हैं यहाँ से निकलो। बताओ, कोई बात बनती है? बात बनती है तो ठीक ही तो कह रहे हैं, तो निकलो यहाँ से, कप्पू भैया ने कह दिया, बात खत्म। हाँ, कप्पू भैया। हेलो, देखो तुम लोग निकलो यहाँ से, हम लोग हैं, हम लोग संभाल लेंगे। हाँ? वाह वाह, निरुआ को देखकर जिसकी चीखें निकलती है ना, वो बॉलीवुड स्टार संभालेगा। ओफो, सो मेनी प्रॉब्लम्स। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं कौन सा लुक रखूं, वेस्टर्न या फिर ट्रेडिशनल? भाभी, वैसे तो मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर आज मेरा दिल करता है आपका झूड़ा पकड़ कर ना ऐसे निकाल दूं आपको। वो तो आप कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि मैंने बाल खुले छड़े हैं। तो पहले झूड़ा करूंगा फिर करूंगा मैं। है? मुझे कोई बात ही नहीं आई। बाल ही रख रहे हो और ग्लैमर को बुला भी नहीं रहे हो। इतना ये बात, ये बातें तेरे को कोई बताता है कि तेरे वैसी क्रिएटिविटी आती दिमाग में? ग्लैमर को नहीं रख रहे? ओए मेरी बात सुन, तेरे अकल नहीं है, घर में शीशा तो है कि नहीं तेरे? शीशे तक पहुंच कब पाती है ये? चिटकनी लगाने के लिए तो सीढ़ी पे चढ़ती है। अच्छा देवर जी, ये बताओ कि मैं पार्टी के लिए गाउन सवालू? नहीं नहीं, गाउन नहीं, गाउन आपको बहुत छोटा पड़ेगा। अब एक काम करिए, पीछे ना हलवाइयों का तंदूर है, वो पहनी। वाओ, हाउ स्वीट, क्या मैं इतनी हॉट हूँ? ओहो, ओए मेरे पास ना एक आइडिया है। बोलो बोलो। एक दूसरे का हाथ पकड़ो, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा बड़ा फायदा होगा। तुम्हारा क्या फायदा होगा? ए, तुम बोर नहीं होंगे? हमारे साथ जैसे बड़ी शकीरायन पार्टी भेज रहे हो ना, तुम बोर नहीं होगे। चलो यार चलो। हेलो, हाँ, डुप्लीकेट नहीं आ रहे, लेकिन मैंने पार्टी से एडवांस लिया है, और मेरी बात तो सुनो। हेलो, हाँ चलो चलो, एक काम करते, सुनो चलते हैं यहाँ से। हेलो हेलो, हमारा
टाइम पास भी हो जाएगा। नहीं चलो, नहीं जाने दो ना। नहीं चलो चलो मेरी, चलो 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 चलो। बात सुनो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, आखिर हमारी भी कोई इज्जत है यार। हमारी? तुम लोगों की? एक बात कहूँ, आज दुनिया की कोई भी ताकत हमको नहीं खरीद सकती। हाँ, वाह कृष्णा। हाँ करना क्या है भाई, करना क्या है बताओ। कृष्णा बोल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। चलो। वाह शर्मा, क्या तुम सबका जमीर मर गया है? वैसे जमीर का काम ना सर्दियों में होता है, गर्मियों में बड़ी गर्मी लगती है जमीर से। मैं अपनी बहन के साथ हूँ। मैं तेरे साथ नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं अपनी बहन के साथ हूँ। लेकिन अभी मैं बाकी हूँ। हाँ यार, हाँ हमारा ठाकुर रह गया। थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, ऐसे 5 तुमने मुझे देने हैं। थैंक यू। 5,000 रुपए दे नहीं तो निकल कर। नहीं नहीं, जब तक मेरा भाई कपूर शर्मा मुसीबत में, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तेरे को 5,000 देता हूँ, मैं मुसीबत में रहकर खुश हूँ, तू दफा हो। सुनो चल, रह ले, मनहूस आदमी है, बद्दुआएं देगा। सुनो मेरी बात। हाँ जी जी। तुम सब लोग फटाफट डिसाइड कर लो, बनना क्या है तुम लोगों को? बनना मतलब, अरे रेडीमेड शाहरुख। अरे मैं तो कितने अच्छे हाथ फैलाता हूँ ये देख। ये हाथ तो तब से फैला रहा है जब शाहरुख मार्केट में भी नहीं आया था। दोनों हाथ फैलाने से भीख मांग रहा तू, ऐसा शाहरुख लगता है इसे? ओए हाथ फैलाने से कोई शाहरुख नहीं बन जाता। हाँ। स्टाइल होना चाहिए जैसा मुझ में है। बताओ कपिल। ओए वो मन्नत में रहने वाला, तू मिन्नतों में रहने वाला, स्टाइल तेरा कहां से आ गया बे? कपिल यार ये कैसे दोस्त है यार, हमेशा काम मांगते रहते हैं, कैसे दोस्त है? ओ हेलो, हम तो फिर भी अपने दोस्त से मांगते हैं। शर्म कर, तू हमारे दोस्त से काम मांगने आया? खबरदार जैसी कोई बकवास की तो। कप्पू क्या बनोगे? मैं गोविंदा बनू। और कितना बनेगा तू? और इतना गोविंदा बन चुका, अब तो गोविंदा भी गोविंदा नहीं बनता। उनको भी लोग पूछते हैं आप कौन है, कहते मैं ऋतिक रोशन हूँ। शर्म कर। कप्पू मेरी सोच ले, मैं दीपिका पादुकोण बनूंगी क्या? ए अपना दीपिका पादुकोण, ऑडियंस में कोई लेडी अगर इसके गले पे काटे मैं 3,000 दूंगा। अच्छा अगर ये दीपिका बनेगी तो फिर मेरा रणवीर सिंह बनना तो जायज ही है। मेरा डंडा कहाँ है? रणवीर सिंह तो ये दीपिका बन रही है, इसको कोई कुछ नहीं कह रहा, मेरे टाइम मौत पड़ रही है। एक मिनट, बड़ी बहन तेरी आलिया दिखती है, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने आप को दीपिका समझे। कप्पू मैंने सुना आज बॉलीवुड पार्टी होने वाले है और सब लोग कुछ कुछ बन रहे हैं, मैं क्या बनूं? तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैं साड़ी पहन के आ जाऊं, मुझे बना लो अपनी गर्लफ्रेंड। बोलने से पहले सोच लिया कर कैसा लगेगा साड़ी पहन के, मैदे के आदमी। ये फालतू बातें छोड़ो, बताओ मैं क्या बनूं? मैं कहता तुम वेटर बन जाओ, लोगों को लगेगा हमने विदेशों से वेटर मंगाए। लेकिन अगर मैं वेटर बन गया तो ये क्या बनेगा? मुझे लगता है आज ना मैंने अंग्रेजों से बदला ले ही लेना। अच्छा यार तुम कुछ कहते क्यों नहीं उसको, तुम्हारे दोस्त को वेटर बोल रहा है। उसकी बहन देखी कितनी सुंदर। मैं क्यों कहूँ फिर, मैं वेटर लगता हूँ? नहीं नहीं, तू तो ठाकुरों की मुराद जान लग रहा है। ओए दोस्ती कोटे में भरते हुए इंसान, तू तो ना बोल कम से कम। अच्छा तुम्हारी तो जैसे यहाँ बड़ी आर्टिस्ट कोटे से प्लेसमेंट हुई है ना। तुम बीच में क्यों बोल रही हो आप विकसित लड़की? मैं आज की लड़की हूँ, कहीं भी बोलूँ तुम्हारा क्या एक्स्ट्रा विकसित लड़के क्या कर लेगा? मैं तुमसे शादी कर लेगा। ओए सुनो मेरी बात, पार्टी का टाइम हो रहा है और अपनी एनआरआई पार्टी आने वाली होगी, फटाफट निकलो और कुछ ना कुछ बन के आ जाओ। और कृष्णा तू थोड़ा संभाल के। तो इसने क्या रस्सी पे चलना है? कृष्णा संभाल, चलो ये नहीं करना ठीक है। मैंने आलिया ही बनना, मैं आलिया दिखती हूँ, मैं आलिया ही बनूंगी।
आलिया की मम्मी चलो। मैंने आलिया ही बदला, मेरे को मैं करूंगी आलिया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.